गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे 10:30। सो आप घड़ी देख सकते हैं, सुबह के बज रहे 10:30 और हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। और 11 बजे मुझे जो है केशव के स्कूल जाना है, उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि इसके स्कूल की टाइमिंग हो गई 11 से 2:30। तो क्या कहते हैं, मैं लेके जा रही हूँ उनको छोड़ने के लिए, फिर वहां से मैं जाऊंगी पार्लर और थ्रेडिंग करवाने के लिए। काफी दिनों से हमने थ्रेडिंग नहीं करवाया है, वो रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने करवाया था, उसके बाद मैंने नहीं करवाया। इसलिए और वीडियो से आप लोग पूरा बने रहेगा, आज हमारा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। और जो भी हमारे फ्रेंड्स जितने भी आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अपना साथ, अपना विश्वास, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, वीडियो से फुल बने रहिएगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये हमारे घर का पीछे का पोर्शन है, और आप ये जो देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो इसलिए दिखला रही हूँ क्योंकि ये रेलिंग जो पीछे पुरानी वाली थी, उसको टूट गया था, तो उसको सही किया जा रहा है। तो सारा इसलिए रेलिंग पुरानी वाली सब गिरा दिया गया है, अब नए तरह से बनेगा। और आप ये देख सकते हैं, जहाँ तक ये छड़ है, तो उसकी लंबाई पुरानी वाली वहीं तक थी, और वहीं तक जो है फिर से हमारा रेलिंग यहाँ पर तैयार होना है। तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और आज से जो है काम चल रहा है यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं, ये जो पुरानी वाली ही रेलिंग की है, और अब इसको गिराया गया है, अब यहाँ पे जो है नया बनेगा। मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखलाऊंगी, जब हम रेलिंग तैयार हो जाएगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो। और मैं आप लोगों को अभी तो नीचे से दिखला रही हूँ, हमारे पीछे का आंगन है, और मैं आप लोगों को अभी ऊपर से भी दिखलाऊंगी। ऊपर जैसे आप, मैं ऊपर आ चुकी हूँ, नीचे मेरे हस्बैंड खड़े हैं और काम लगा हुआ है, और गाड़ी बाहर निकाल दी गई क्योंकि रेलिंग गिराया जा रहा था, तो रेलिंग यहीं से पूरा था। तो आप ये देख सकते हैं, नीचे मुझे बड़ा डर लग रहा था, मैं ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊँचाई से। तो ये देखिए, अभी काम वाले लगे, लेबर लोग लगे हुए हैं, उसको हटा रहे हैं। और देखिए, छड़ निकला है, पुराना वाला जो रेलिंग था उसी का ही सारा छड़ है, और उसको दोपहर के बज गए 2:30 और हम जा रहे खाना खाने के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी है, बट मेरा चावल फ्राई खाने का, छौंका चावल खाने का मन हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ चावल फ्राई करने के लिए। और मैं चावल फ्राई कर लूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमारा खाना रेडी हो चुका है, और इसके साथ हमने लिया है ये दही। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और क्या कहते हैं, 3 बज गया है दोपहर के, और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश बहुत हो रही थी यहाँ पे। तो केशव स्कूल से अभी आए, केशव भी खाना खा चुके हैं, सब लोग खाना खा लिए, हम भी खाना खाने जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, और चलिए फिर मैं भी आप लोग से मिलती हूँ फिर। सो फिर अब फ्रेंड्स, शाम के बज रहे 7:30 और मैं किचन में आ चुकी हूँ, और कुछ को मालिश कर रहे थे, देखिए मेरे हैंड पूरा ऑयल वगैरह लगा, उसकी मालिश की, उसको सुला दी, क्योंकि वो थक जाता है ना, बहुत ऊपर नीचे चला करता है, और थक गया तो उसको मालिश कर दी, ऊपर चला सुला दिए हैं। और हम किचन में आ चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है अभी क्या बनाए। साग रखा है, केरुआ का साग, ये देखिए, किरवा का साग आया है, तो समझ नहीं पा रहे इस समय बनाए कि सुबह बनाए। सो अभी क्या कहते हैं, चलिए भी कुछ बनाएंगे, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैं क्या बना रही हूँ शाम के खाने में आज। सबसे पहले हम चाय बना के पियेंगे, और क्योंकि बना पी चुके थे दोपहर में,
बट क्या कहते हैं, अब मन हो रहा है तो अभी तो फिलहाल इसको हम रख दे रहे हैं। काफी हरा हरा है ये देखिए। मुझे किरवा का साग और जो है चावल और दही बहुत अच्छा लगता है। तो दही तो अभी हम जमाए हैं, तो इस समय दही अभी बना नहीं है सही से, तो सोच रहे हैं कर इसको जो है सुबह बनाएं और साग चावल और किरवा का साग चावल और दही खाएंगे। चलिए इसको रख देते हैं, अभी कुछ और बनाते जा रहे हैं। ये देखिए हम चाय के साथ बनाएंगे चिल्ला, बेसन का चिल्ला बनाएंगे और उसमें डालेंगे 2 प्याज। तो बेसन का चिल्ला मुझे बहुत अच्छा लगता है और 7:30 बज गया, थोड़ा भूख भी लगी हुई है, तो हम चिल्ला खा लेंगे, चाय बना लेंगे। हम तो खाना नहीं खाएंगे लेकिन आप सबके लिए खाना बनाएंगे। तो पापा बोल रहे हैं करेला खाने के लिए, तो करेला रखा है, अभी लेके आए हैं। करेला बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपना पहले पेट पूजा कर ले, तब हम कुछ काम करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, बाय। ये देखिए मैंने बेसन को घोल लिया है और हमने चढ़ा दिया है तावा। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इस पे डालेंगे ऑयल और बनाएंगे चिल्ला। चिल्ला रेडी हो चुका है, हम जा रहे हैं खाने के लिए। मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, ये देखिए चाय है बट चीनी बहुत कम है, ज्यादा क्योंकि चाय ज्यादा ना इसलिए चीनी मैंने कम कर दिया है। तो चलिए मैं जा रही हूँ खाने के लिए। समझी शाम का मेरा खाना भी आज रात का, क्योंकि चिल्ला खा लेंगे तो फिर खाना नहीं खाएंगे, पेट भर जाएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स बज गए 12 और ये देखिए घड़ी हमारी, और अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करने जा रहे हैं। और कुछ को गोदी में लिए हुए हैं, तो ये देखिए कुछ को सुला रहे हैं, इनको नींद नहीं लगी है अभी। और ये काजल लगाए थे आज, इनकी खूब मोटे मोटे से काजल लगाए थे, पूरा काजल ही फैला लिया है, हाँ इसको नींद नहीं लगी है। और आज क्या कहते हैं, खाना तो आज हम खाए नहीं, चिल्ला खा लिए थे और खाना इसलिए नहीं खाए, पेट भर गया है। तो फिर क्या कहते हैं, आज हम बनाए थे आलू की पूड़ी और चटनी था, वही सब लोग खा लिए हैं। अभी कुछ जो है अब सोएंगे, नींद लग रही है इनको, अपना ब्लॉग यहीं पे इन करने जा रहे हैं। सो आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और इसी तरह अपना प्यार हमको देते रहिए और इसी तरह विश्वास बनाए रखिए। और मुझे आप क्या कहते हैं, बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, प्यारा प्यारा कमेंट दे के मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। कुछ कुछ कहना चाहते तो आप लोग सुन लीजिए, क्या बता दो। अच्छा आप लोग ये हमको बताइएगा कि कुछ जब काजल लगाता है तब अच्छा लगता है कि बिना काजल के अच्छा लगता है, और आज तो बहुत काजल लगाया था, अभी वैसे निकाल छूट गया है काजल, ये देखिए देखो कुछ क्या है, फिर बोल दो। तो बात करने के मूड में नहीं है, तो चलिए मैं अपना ब्लॉग ही पेंट कर रही हूँ, आप लोग प्यार दीजिएगा, गुड नाइट। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।